जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने आपको 5 मोटिवेशन टिप्स बताया था, जिसमें पहला था रटना बंद करें और 1 मिनट में याद करने का तरीका। दोस्तों अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जरूरी है देखना और समझना कि आखिर इस मोटिवेशन लाइन में क्या है। आपको अंदर से मोटिवेट करेगा, आपके अंदर जो है एनर्जी बहुत ज्यादा देगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज जो है ये दूसरा हम जैसा कि लिखा हुआ है कि परीक्षा की तैयारी ऐसे करें सिर्फ 1 मिनट में। दोस्तों 1 मिनट में परीक्षा की तैयारी आप नहीं कर सकते, बट इसके अंदर जो मोटिवेशन बातें हैं वो आपके अंदर एनर्जी को 10 गुना कर देगा, ठीक है। और आपका जो है मन लगेगा, आप जो पढ़ने में ऐसे बैठते हैं मन नहीं लगता है, तो आज के बाद से ये प्रॉब्लम खत्म। तो चलिए उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दायां साइड में है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेगा बोर्ड एग्जाम संबंधी सभी टिप्स, मोटिवेशन बातें और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बातें खत्म, पहले समझते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। तो चलिए आप खुद ही देख लीजिए। आपने दिन भर में जो भी पढ़ा हो उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में अपने खुद के बुक में लिखे, फिर उत्तर को बिना देखे लिखे, फिर उसको अपने दोस्त या शिक्षकों से सहायता लेकर टेस्ट ले। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि कहां कहां पर गलतियां हो रही है। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन कंप्लीट करें। ऐसा करने से आपको जो भी पढ़ाया गया है स्कूल में वह उसी दिन में समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आया हो तो उसे दूसरे दिन अपने शिक्षक से पूछे। परीक्षा के समय हमेशा अपने मन को शांत रखे। रिसर्च में यहाँ पाया गया है कि एक शांत मन 4 गुना ज्यादा तेजी से याद रख सकता है। रिवीजन के समय केवल वही पढ़ना चाहिए जो पहले से पढ़ा हो। यह करने से आपने जो भी पढ़ा होगा उसकी अच्छी पकड़ हासिल कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ टाइम टेबल के जरिए ही आप अच्छी रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। टाइम टेबल बनाएं। क्लास डिस्कशन में भाग लेने से हर व्यक्ति अपने तरीके से सवाल जवाब समझता है। यह करने से दूसरे लोग की बात पर हम ध्यान देते हैं और वही बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हेल्प लेते समय शर्माना नहीं चाहिए। पढ़ाई करते समय बीच बीच में विश्राम करने से आपने जो भी पढ़ा हो वह दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है।